हेलो नोट सब गाइज, मैं हूं सुमन सवाल। आप देख रहे हैं एसएससी मैजिशियन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी मैजिशियन यूट्यूब चैनल में आज के कमाल की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ जादू मैजिक सिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और इस मैजिक को आपको दिखाने में हेल्प करेंगे गोलू भाई, जो कि मेरे फ्रेंड हैं। तो ये इस मैजिक में आपको जो है हेल्प करेंगे इसको दिखाने में और सिखाने में। तो चलो बिना के आपको बोर, शुरू करते हैं जादू का स्टोर। अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको मैजिक दिखाने वाला हूं। तो आप नजरें बनाए रखें। आप लोग यहां पर देख सकते हो मेरे पास एक कैप, इसका कैप है, वही एक वो है, मतलब एक डब्बी समझ लो आप लोग, जो कि बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। एक बार गोलू भाई के पास इसको चेक करने के लिए देते हैं कि आप इसको चेक करो, इसके अंदर क्या है, बाहर क्या है, कैसा है, खाली है, नहीं है। खाली है क्या? इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अरे यार, गोलू भाई तो बोल रहे कुछ भी नहीं है। चलो कुछ डाल लेते हैं इसके अंदर, ताकि गोलू भाई को भी लगे कि हाँ कुछ डाला। आप लोग देख सकते हो सिगरेट है। ये क्या है भाई? सिगरेट मतलब डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है? ओरिजिनल ओरिजिनल सिगरेट है, गोलू भाई ने बोला। तो आप इसको मेरे पास दे दो, जो कि बिल्कुल खाली है। आप हाथ नीचे मत करना, ताकि पब्लिक को ऐसा ना लगे कि हमने नीचे से कुछ चीटिंग की है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, इस सिगरेट को यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, यानी कि इसके अंदर डाल देते हैं। अब गोलू भाई के पास कैप है, इसका ढक्कन है, हम क्या करते हैं इसके ढक्कन को इसके ऊपर लगा देते हैं। गोलू भाई को बोलेंगे थोड़ा फूक मारना, ओम नमो काली कलकत्ते वाली, फूक मारो, हाथ थोड़ा ऊपर लो और इसको खाली करो। खाली करो, हाँ, इसको सिगरेट निकाल के बताओ पब्लिक को कि इस पर कौन से सिगरेट है। वो आपके हाथ पे क्या आया वो दिखाना। गोलू भाई के हाथ पे एक छोटी सी सिगरेट आ चुकी है, वो पब्लिक को दिखा दो, खाली है कि भरी हुई है। उस पर फूक मार के भी एक बार दिखा दो, बिल्कुल खाली। एक बार कैमरा एंगल पे भी दिखा सकते हो कि ये आप बिल्कुल खाली है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और गोलू भाई के पास जो कैफ है वो भी बिल्कुल खाली है। तो गोलू भाई, मैंने आपके पास बड़ी सिगरेट डाल के दी थी, वो कहाँ गई? तो गायब हो गई। अरे यार, कैसे हो गई? देखो यार, गोलू भाई ने मेरे 10 रुपये सिगरेट की जो है वाट लगा दी है, बोल रहे हैं खाली हो गई। मैंने इन्होंने पी ली होगी यार, छुपा ली होगी तुमने कहीं? नहीं, छुपाया नहीं। अरे किधर छुपाए हो तुमने पीने के लिए? हाँ, सुट्टा बिट्टा मारने के लिए नहीं क्या? नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हो सकता है मैं कैमरे पे देख रहा हूँ तूने छुपा दी सिगरेट, है ना? गायब हो गया भाई, जेब भी मैं तो नहीं डाला है किधर? तो नहीं यार, जेब में भी रखेंगे सिगरेट फिर। अरे यार, तो सिगरेट विगरेट पीता है क्या? तो क्यों छुपाई तूने वो सिगरेट? किधर सिगरेट छुपाए? अबे मैंने दिया था तेरे पास, वो इसमें था, इसमें गायब हो गया। किधर गया? इसमें गायब हो गया। तो कैसी बात कर रहे यार, वो गायब कैसे होगा? अरे यार, गोलू भाई ने मेरे 10 रुपये की सिगरेट की काफ़ी अच्छी वार्ड लगा दी मेरे भाई। हो सकता है इन्होंने ना पीने के लिए छुपा रखी होगी यार, बाद में सुट्टा बिट्टा मारने के लिए, ऐसा कुछ होगा सीन, ऐसा है क्या? अरे हो सकता है मेरे भाई। चलो कोई नहीं यार, पीने तो यार आज़ादी करेगा, मौज करेगा और क्या। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी हो गया मजाक। मैं आप लोगों को एक सीरियस में बात बताना चाहता हूँ, स्मोकिंग सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप कभी भी स्मोकिंग ना करें, और स्मोकिंग सेहत के लिए जो है बहुत ही हानिकारक होती है। तो एक मैजिक था, मैजिक में थोड़ा मजाक तो चलता ही है। भले ही गोलू भाई ने नहीं छुपाई है, वो सिगरेट गायब हो चुकी है, मुझे भी पता है, बट थोड़ा इन्जॉय, थोड़े मजाक के मूड में ये सब मजाक करना पड़ता है। तो चलो दूसरा मैजिक आपको दिखाता हूँ, इसके बाद इनका साथ में जो है आपको राज बताऊँगा। तो चलो चलते हैं दूसरे मैजिक की तरफ। फ्रेंड्स, अभी का जो मैजिक है, मेरे पास है एक कार्ड, नॉर्मल सा कार्ड है, इसके बीच में एक होल आपको दिख रहा होगा। इस कार्ड के बीच में एक होल है ना, आँखें खराब है क्या? होल है पक्का? अरे यार, तेरी आंखें मुखें खराब तो नहीं है? इसको होल दिखाई दे रहा है, देखो आपको भी दिखाई दे रहा है क्या? होली है ना इसमें? होली है क्या? अरे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा यार। होल है? हाँ, तो चलो यार इसको भी दिखा देते हैं, एक बार चेक करा देते हैं इसमें क्या है मेरे भाई। इसमें भी होल है। होल है ना? तो होल है तो समझ लो सब में झोल है। ये पकड़ना, ये क्या है? नट। ओरिजिनल डुप्लीकेट एक बार दिखा लो हाथ से। स्क्रू ओरिजिनल है ना? ओरिजिनल लोहे का ही है ना? लोहे का। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करते हैं, इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं कि ये कैसा काम करता है और कैसा है, ठीक है। इसके अंदर ना कार्ड जाता है, ओके। एक बार कार्ड फंसा के दिखाता हूँ आप लोगों को, इसके अंदर कार्ड जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने कार्ड डाला,
गोलू भाई को बोलेंगे इस पे स्क्रू लगा दे, वो नेट इस पे लगा दे भाई। लगाया, हाँ वहां से पैक कर दे। अरे यार गोलू भाई से नेट ना लग रहा जिंदगी में, और क्या लगेगा भाई। लगेगा 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 सब लगेगा। तो देखो यहाँ पे स्क्रू ज्यादा टाइट मत कर, हो गया। यहाँ पे स्क्रू लगा दिया है, नेट लगा दिया है, कार्ड जो है इसके अंदर है, ठीक है। इसके बाहर निकालने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। गोलू भाई को बोलोगे इसके बाहर कर जरा, ये बाहर हो सकता है क्या? कैसे भी करके साम दाम दंड भेद कुछ भी कर ले यार, इसको बाहर कर दे बस। पब्लिक चाहती है कि तू बाहर कर दे, इसको तोड़ मत बस, बाकी तो बाहर कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है लड़का, कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है भाई। हो रहा है क्या? नहीं होगा, कतई नहीं। तो फ्रेंड्स गोलू भाई ने तो बिल्कुल ही हार मान चुकी है कि ये कार्ड जो है बाहर नहीं होगा। तो एक बार गोलू भाई को दोबारा खोल के दिखाते हैं और बोलते हैं कि दोबारा बाहर कर दे, क्या पता मैंने कुछ अलग से लगाया हो। तो ये स्क्रू है हाथ पे रखना, वही स्क्रू है ना या कोई और है? तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इस कार्ड को जो है दोबारा से यहाँ पे फंसाते हैं, स्क्रू देना, स्क्रू यहाँ पे लगा देते हैं और इस नेट को भी दोबारा लगा देते हैं, ठीक है। ये नेट नीचे ना गिर जाए यार, बड़ी समस्या यही है इसकी। फ्रेंड्स अबे लग ही नहीं रहा है रे नेट तो। फ्रेंड्स लगेगा लगेगा, नेट भी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा, हाँ लग गया लग गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोबारा से हमने, आप लोग देख सकते हो, नेट लगा दिया है बड़े अच्छी तरीके से। तो गोलू भाई क्या ये अभी बाहर हो पाएगा? खींचना जरा इसको, आगे पीछे करना, यहाँ से खींचना। गोलू भाई ने बाहर कर दिया है, देखो देखा। तो अभी गोलू भाई ने ये बाहर कैसे किया और गोलू भाई से ये कैसे हो पाया, पहले इन्होंने बाहर नहीं कर पाया, अभी के चांस में बाहर कर दिया। तो ये मैजिक कैसे हुआ, ये जादू कैसे हुआ, यही आपको बताने वाला हूँ, यही आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, जबकि पहले गोलू भाई इसको बाहर नहीं कर पा रहे थे, पर एंड में इसने इनको बाहर कर दिया। ये कैसे हुआ भाई, बाहर कैसे किया? पीछे से किया। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, दोबारा नेट खोलता हूँ, देना जरा, और दोबारा यहाँ पे लगाते हैं और दोबारा गोलू भाई को बोलते हैं कि इसको बाहर जरूर करें। आगे टाइम मेरा मैजिक इस पे लगा हुआ था तभी ये बाहर हो पाया। अभी आप लोग देख सकते हो इसको बाहर करना, देखते हैं गोलू भाई इसको बाहर करेंगे अभी भी। इनको लग रहा है कि मैंने तभी किया तो अभी भी कर लेंगे। तो एक बार दोबारा बाहर करना भाई इसको, हो रहा है क्या? होगा ही नहीं अभी, तभी कैसे हो गया? तो नहीं कैसा हो गया। तो फ्रेंड्स ये ऐसे बाहर नहीं होता है, इसमें आप पब्लिक को अच्छे से हैरान कर सकते हो और उनका इंजॉयमेंट ले सकते हो। तो यही दो मैजिक थे आज के, तो आपको बताने वाला हूँ एंड सिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं इस मैजिक के ट्रिक एंड ट्यूटोरियल पे। सो फ्रेंड्स चलते हैं सीक्रेट वाले मैजिक के ट्रिक पे, सीक्रेट कैसे गायब हो गई थी। तो हमारे पास एक कैप होती है और एक इसका ढक्कन होता है और एक सीक्रेट होती है, इतना ही ना। तो इसको हाथ पे पकड़ना कैप को। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो होता है ये स्क्रू, स्क्रू ड्राइवर मतलब प्लास्टिक का होता है, ये हमें इसके साथ ही मिल जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों को ऑर्डर करना चाहते हो, सामान को मंगाना चाहते हो, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इन चीज़ों को अपना बना सकते हो। तो अभी आप हमको क्या करना है, जब हम इसे ऑर्डर करते हैं, इसका नाम है सीक्रेट वेनिसिंग मैजिक, ठीक है। तो इसके आप ऑर्डर कर सकते हो, काफ़ी लो प्राइस में आपको मिल जाएगा, काफ़ी लो बोले तो काफ़ी लो प्राइस में ये सिगरेट आपको मिल जाती है। इसके साथ आपको एक स्क्रू मिलता है, आपको क्या करना होता है, इस स्क्रू को इसके अंदर एग्जिट करना होता है। गोलू भाई सीख ले यार अभी भी। इसके बाद हमें इसे घुमाना होता है कुछ इस प्रकार से, जब हम इसे घुमाते हैं तो सिगरेट बाहर आ जाती है ये वाली, ठीक है। देखा अब इसका काम ख़त्म है, इसको आपको पब्लिक को नहीं दिखाना है। गोलू भाई मैंने पहले आपको ये दिखाया था क्या? नहीं दिखाया था, क्योंकि हम इसको पहले किसी को दिखाते नहीं हैं कभी भी, ठीक है। इसको डाला जेब में, उसके बाद सीक्रेट आ जाती है बाहर, ओके। तो सीक्रेट बाहर आ जाती है, ये सीक्रेट हमारे हाथ पे ऐसी रहती है और ये जो है हम पब्लिक को दिखा देते हैं, दर्शक को दिखा देते हैं। उसके बाद इस सीक्रेट को ऐसा रखना जरूरी है, थंब को यहाँ पे ऐसे प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि सीक्रेट का जो काला हिस्सा है वो ना दिखे। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, इसके अंदर होल है ना, इसके अंदर भी होल है। गोलू भाई दोनों के अंदर होल है ना, दोनों के अंदर।
आपको ऐसा लगा था ये सिगरेट ओरिजिनल है, लगा था ना बाहर से कि सिगरेट बिल्कुल ओरिजिनल है, बल्कि ओरिजिनल नहीं होती है ये, मैजिक के लिए स्पेशल मॉडिफाई की हुई जाती है। तो तब होता क्या है, यहाँ पे भी ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक है, और यहाँ पे होल है, तो हम क्या करते हैं होल को इस अंगूठे से छुपा देते हैं, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से, ताकि किसी को दिखे ना कि ये होल है। उसके अंदर छोटी सिगरेट पहले से ही हमारी डाली हुई रहती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब आपको ये दिखाया था मैंने, इसको इस प्रकार से डाला ऐसा, और यहाँ पे ये जा रही है, ठीक है। तो ये ब्लैक जो है ब्लैक के साथ मैचिंग हो गया है, ठीक है। अब अंदर से दोबारा होल ही दिखेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और हम जब मैजिक करते हैं तो लगता है कि सिगरेट गायब हो चुकी है, बल्कि नहीं, सिगरेट अभी भी इसके अंदर ही है। इसे आप आसानी से मंगा सकते हो, इस मैजिक से अच्छे अच्छे लोगों को हैरान कर सकते हो। कितना भी इंटेलिजेंट ऑफिसर क्यों ना हो, वो भी इस मैजिक से हैरान हो जाएगा, और आपको काफ़ी कम सस्ते में भी ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे आप मंगा सकते हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, इसको ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके। अभी चलते हैं दूसरे मैजिक के सिगरेट पे, यानी कि राज पे। अभी हमने क्या किया था, ये कार्ड था, एक नेट था, स्क्रू, हमने इसको खोला था, और कुछ इस प्रकार से ये नेट मैंने आपके पास दिए थे, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों नेट मैंने आपके पास दिए थे। अब होता क्या है, इसके अंदर स्क्रू लगाना होता है, और जब हम इस कार्ड को, ये भी मैजिक शॉप पे मिलता है स्पेशली, और आप अगर इसे ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर जो चल रहा है उससे ऑर्डर कर सकते हो। ऐसे लगाना होता है, तो जब हम ऐसे में स्क्रू लगाएंगे ना, ऐसे में, ठीक है, तो तब क्या होगा, कोई भी माइकल आर इसे बाहर नहीं निकाल पाएगा, कोई तो छोड़ो, खुद मैं इसे बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। जब स्क्रू ऐसे लगेगा ना, तो कोई भी मैं इसे बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, तुम भी नहीं निकाल पाओगे, कोई नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक पट्टी है, ये ब्लैक पट्टी है, यहाँ से भी ब्लैक है, यहाँ से भी ब्लैक है। तो जब इन ब्लैक के ऊपर नेट लगा हुआ होगा, कभी भी नोटिस करना, इन ब्लैक के ऊपर अगर नेट लगा हुआ होगा तो कोई भी इसे बाहर नहीं निकाल सकते, वो जादूगर भी नहीं निकाल सकता है, ठीक है, जो दिखा रहा है। उसके हमें क्या करना होता है, चीटिंग क्या करनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। वो नेट उठाना यार, चीटिंग क्या करनी होती है हमें, कि इस कार्ड को यहाँ से एक बार जब लेते हैं ना, आपको इस साइड से दिखा देता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसा डालना होता है, यहाँ से भार लेना होता है, देखा, एक जगह से भार लिया ना मैंने, यहाँ से भार लिया, यहाँ से भार लेना होता है, और यहाँ से दोबारा अंदर डालना होता है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या डिफरेंट रह गया, यहाँ पर आपको ब्लैक पट्टी दिख रही है ना बीच में, बट इस साइड आपको ब्लैक पट्टी नहीं दिख रही है, आपको दोनों ब्लैक पट्टी दिख रही है, तीसरी गायब, क्योंकि हमने उसके ऊपर से कार्ड ला दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रू मारते हैं, ठीक है, ऐसे स्क्रू मार देते हैं कुछ इस प्रकार से, साले स्क्रू के लगने की बड़ी समस्या आ रही है इसकी, चलो इतना ही काफी है। जब स्क्रू मार देते हैं तो तब क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम किसी को देते हैं वो ऐसे खींचेगा, कार्ड बाहर नहीं आएगा, बट हम क्या करते हैं चीटिंग, इसको स्क्रू को यहाँ पे ऐसे टाइट करके, और इसको कार्ड को थोड़ा ऊपर करके ऐसे, और स्क्रू से बाहर कर देते हैं। देखा, स्क्रू का जो है ये अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, कार्ड बाहर आ जाता है और स्क्रू इसके अंदर ही रहता है। समझ गए होंगे आप, सीधा नहीं घुसाना है, बट एक स्टेप यहाँ से ऊपर लेना है, ठीक है। तो यही था आज का मैजिक, यही था आज का मैजिक ट्रिक। तो भाई आपको मैजिक कैसा लगा, जादू कैसा लगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही था इस मैजिक का ट्रिक, राज रहस्य। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको इस मैजिक का राज सीक्रेट पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस करें। जैसे आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करोगे, उस पर आप ऐसे मेजी चैनल फैमिली का हिस्सा बन जाओगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। आप नई नई जादू देख पाएंगे एंड नई नई जादू सीख पाएंगे। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पर मेरी आईडी दिख रही होगी, जाके फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट कमाल की मैजिक ट्रिक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।